हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ थोर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करूंगा स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड अपडेट के बारे में, और बात करूंगा डीसी अपडेट्स के बारे में, बात करूंगा ओटीटी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं थॉर 4 से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो थॉर की न्यू सेट इमेजेस देखने को मिली है, जिसमें कि हमें थॉर की न्यू कॉस्ट्यूम देखने को भी मिली है। अब आप कहोगे कि कॉस्ट्यूम कहां से हुई, ये तो एक सिंपल लोअर टी शर्ट पहना हुआ है, पर नहीं, ये एक आइकॉनिक मूवमेंट होने वाला है थॉर की मूवी में। अगर आपको ये देखना है, फुली ब्रेकडाउन चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं इसका एक ब्रेकडाउन डालने वाला हूं इंस्टाग्राम पर आईजीटी वीडियो में। अब बात करते हैं न्यू अपडेट के बारे में। तो फाइनली मार्वल इंडिया ने एक न्यू इमेज डाली है मून नाइट की, जिसमें कि पुराने वॉलपेपर लग रहे हैं कॉमिक्स के। तो इससे ये पता चल जाता है कि मून नाइट किस सीरीज पर आधारित होने वाली है, किस कॉमिक बुक पर आधारित होने वाली है। उसी के साथ आपके लिए गुड न्यूज है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के सभी कैरेक्टर्स के ऊपर एक वीडियो गेम बनने वाला है। जी हां, गेम तो एक ही होगा, पर सभी कैरेक्टर की उस गेम में ओरिजिन स्टोरी भी देखने को मिलेगी। उसी के साथ थॉर 4 की शूटिंग खत्म हो चुकी है, जी हां, सैंडी में, और देन न्यू इमेज भी हमें देखने को मिली। तो आप खुद ही देख सकते हैं थॉर अब अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। उसी के साथ शूटिंग खत्म होने से पहले थॉर हमें अपने बेटे के साथ नजर आए थे, चूंकि वो चोगा बांधे हुए हैं, तो ये फनी मूवमेंट के लिए डाली थी उन्होंने अपने ऑफिशियली इंस्टाग्राम पर। उसी के साथ नया अपडेट है मार्वल की मूवी की रिलीजिंग डेट से रिलेटेड। तो पहले एक मूवी रिलीज होने वाली थी 7 अक्टूबर 2022 को, पर वो डिले हो गई, अब वो रिलीज होगी 6 अक्टूबर 2023 को, और दूसरी मूवी रिलीज होगी नवंबर 10 2023 को। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के अपडेट के बारे में। तो फाइनली सोनी पिक्चर वियतनाम ने अपना टाइटल और पोस्टर अपडेट कर दिया है, और बहुत ही कमाल का लग रहा है। और देन उसी के साथ सोनी पिक्चर ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना टाइटल और पोस्टर टॉप बॉटम का अपडेट कर दिया, और साथ ही साथ कॉमेडिया ने भी अपना टाइटल पोस्टर और चेंज कर दिया। और इससे साफ बात है कि 1 जून को ट्रेलर टीजर आपको देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन का, मैं काफ़ी टाइम से कहता भी आ रहा हूँ, तो तैयार रहिए 1 जून को टॉम हॉलैंड के बर्थडे वाले दिन। चलिए अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के अपडेट्स के बारे में, जो कि इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो फाइनली सोनी कंपनी ने कन्फर्म कर दिया कि स्पाइडरमैन 3 के बाद आपको पूरा सिनिस्टर सेट देखने को मिलेगा। और तो और एमा स्टोन ने रूमर्स को देखते हुए डिनाई कर दिया कि वो उस मूवी में नहीं है, पर बड़े बड़े क्रिटिक्स ने कंफर्म कर दिया कि वो इस मूवी में है। और तो और स्पाइडरमैन 3 का रूमर ये भी आ रहा है कि नॉर्मन ऑस्मन इस मूवी के मेन विलेन होने वाले हैं, जो कि पुराने वाली स्पाइडरमैन मूवी के थे। और एक और रूमर आया है कि अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी में, यानी कि स्पाइडरमैन 4 में, आपको लिजर्ड और राइनोसो भी इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन के थे। तो यानी कि टोटली पूरा सिनिस्टर सिक्स पर फोकस करा जा रहा है इन फ्यूचर, और ये शायद एवेंजर्स के लेवल की मूवी होगी। चलिए अब बात करते हैं डीसी अपडेट्स के बारे में, जो कि कम अपडेट्स हैं, फिर भी मैंने सोचा कि इन अपडेट्स को भी कवर करा जाए। तो चलिए सबसे पहले जो अपडेट आ रहा है बहुत ही कमाल का, वो है जोकर 2 से रिलेटेड। तो फाइनली जोकर 1 के जो राइटर थे, अब वो काम कर रहे हैं जोकर 2 की मूवी में, और फिलिप्स भी ऑफिशियली इसमें मूवी में काम करेंगे, यानी कि पुराने कैरेक्टर भी वापस हो रहे हैं। जेम्स गन ने ऑफिशियली एक स्टिल इमेज रिवील्ड करी है सुसाइड स्क्वाड की। और तो और आपके लिए गुड न्यूज है कि ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि भारत में ये मूवी हिंदी तमिल तेलुगु में रिलीज होगी, ऑफिशियली हिंदी पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। और आपके लिए एक और गुड न्यूज है कि शज़ाम की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ब्लैक एडम की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, प्रोडक्शन दोनों का स्टार्ट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। और तो सुसाइड स्क्वाड का ऑफिशियल हिंदी पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही कमाल का लग रहा है। और देन मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं कि फाइनली सुसाइड स्क्वाड हमें हिंदी में देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं ओटीटी अपडेट्स के बारे में, जो कि आपको मेरी वेबसाइट से भी पता चल सकते हैं, पर फिर भी मेरा काम है वीडियो के थ्रू आपको अपडेट देना। तो चलिए सबसे पहला जो अपडेट है, वांडा विजन की जो राइटर हैं, क्रिएटर हैं, उन्होंने डील करी है अपकमिंग और प्रोजेक्ट्स की, जो कि मार्वल स्टूडियो के साथ है। अब वो क्या है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। उसी के साथ द टुमारो वॉर 2 जुलाई को रिलीज होगी प्राइम वीडियो पे, हिंदी तमिल तेलुगु में ये रिलीज होने वाली है, और देखने लायक है, एलियन पर्पस से मूवी है, तो अगर आपको साइंस फिक्शन मूवी पसंद तो देखिएगा। पिंकी ब्लाइंडर्स, जो कि नेटफ्लिक्स की पॉपुलर टीवी सीरीज है, सीजन 6 ऑफिशियली रैप हो चुका है, शूटिंग खत्म हो चुकी है, हिंदी का कोई भी अपडेट नहीं है, जैसे ही आएगा आपको कंफर्म कर दूंगा, और रिलीजिंग डेट का भी। उसी के साथ मनी हाइट सीजन 5 यानी कि पार्ट 1 का ऑफिशियली पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि प्रोफेसर भी अंदर आई जाएंगे बैंक के। आपको क्या लगता है? सेक्स एजुकेशन सीजन 3 फाइनली उसका पोस्टर रिलीज कर दिया है, बहुत ही कमाल का लग रहा है, रिलीजिंग डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, और जैसे हिंदी का अपडेट आएगा आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। देन उसी के साथ कोबरा खाई बेहतरीन, अभी मैं इसे देख ही रहा हूँ, बहुत ही कमाल का लग रहा है, मैं सीजन 2 तक हूँ अभी। और देन फाइनली सीजन 4 कंफर्म हो चुका है, ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। एलिट, जो कि कह सकते हो अगर आप मनी हाइट देख चुके हो तो ये सीजन भी देखने लायक है, इसके तीनों सीजन हिंदी में डब प्रोसेस में है, और जैसी कंफर्मेशन हो जाएगा आपको तुरंत बता दूंगा। अनदर राउंड, जो कि प्राइम वीडियो पे हिंदी में आ चुकी है, एकेडमी अवार्ड से ये विनर हुई है मूवी, तो देखने लायक है, आज मैंने इंस्टाग्राम पे इसे रिकमेंड भी करा है आप लोगों के लिए। द कमिस्ट की मेथड सीजन 3 ऑफिशियल हिंदी में आ चुका है, नोट सीजन 1 और 2 हिंदी में नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलना, पहले क्लियर कर देता हूँ। देन उसी के साथ ट्रबल, अगर आपको एनिमेशन मूवी देखना पसंद है, तो फाइनली ऑफिशियली हिंदी में रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पे, जाके देखो, मूवी मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं आई, फिर भी अगर आपको टाइम पास नहीं हो रहा तो उसे देख सकते हो।
कॉस्मिक सीन फाइनली लॉन्गेस्ट प्ले पे हिंदी तमिल तेलुगु में आ चुकी है। अगर आपको साइंस फिक्शन मूवी देखनी है, 2000 साल के बाद की स्टोरी दिखाई गई है, तो बहुत कमाल की है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। तो फाइनली वकांडा से रिलेटेड एक और प्रोजेक्ट आया सामने, जो कि ओकोई के ऊपर ओरिजिन स्टोरी पे बनेगा, तो डिज्नी प्लस का ये ऑफिशियली देखने लायक होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।